हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हो ये 3 किलोवाट का हॉट वाटर बाथ है और आज मैं आपको इसी वीडियो में ये हॉट वाटर बाथ का इंटरनल कनेक्शन किस तरह करते हैं, इसी वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल्स कनेक्शन करके दिखाने वाला हूँ। और सबसे पहले चलिए, ये हॉट वाटर बाथ के अंदर आप देख पा रहे होंगे 2 हीटर इसमें लगा हुआ है। देखिए, एक एक हीटर का जो कि 1.5 किलोवाट है और ये 2 हीटर है जो कि 3 किलोवाट का है। आप देख पा रहे होंगे, देखिए ये 2 हीटर लगा हुआ है और हीटर के साइड में ये जो छोटी वाली जो पिन है आप देख रहे हो, ये सेंसर है। देखिए, ये जो 3 वायर टाइप का RTD है और ये सेंसर किस तरह कनेक्शन करता है टेम्परेचर कंट्रोलर में, उसका कनेक्शन भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। और ये 2 हीटर को किस तरह एक SSR रिले के साथ कनेक्शन करते हैं और SSR रिले को किस तरह जो कि टेम्परेचर PID कंट्रोलर के साथ कनेक्शन करते हैं, इसके बारे में आपको पूरा डिटेल्स बताऊँगा। और चलिए, अभी मैं आपको ये हॉट वाटर बाथ का कंट्रोल पैनल मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, इसका कंट्रोल पैनल बहुत सिंपल है और इसमें जो कि कंट्रोल पैनल में जो इक्विपमेंट लगा हुआ है, मैं आपको इक्विपमेंट के बारे में बता देता हूँ। आप देख पा रहे होंगे, देखिए, और इसमें 3-4 इक्विपमेंट लगा हुआ है। ये जो आप देख रहे हो, ये PID कंट्रोलर है। आप देख पा रहे होंगे, थर्माटेक का PID कंट्रोलर है और इसका मॉडल नंबर भी आप देख सकते हैं। और ये जो कि सिंगल फेज रोटरी स्विच है और यहाँ पर देखिए, ये मेन इंडिकेटर है और ये लोड इंडिकेटर है। और यहाँ पर जो स्विच आप देख रहे हो, ये फैन ऑन ऑफ करने के लिए, यानी कि इसका यहाँ पर एक जो मोटर लगा होता है जो कि सर्कुलेटिंग पंप लगा होता है, और ये पंप को ऑन ऑफ करने के लिए वो स्विच उसमें दिया हुआ है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये 2 साइड जो आप देख रहे हो, ये हीटर है। जो हीटर में आपको ये बात का अंदर दिखा रहा था, ये 2 हीटर लगा हुआ है और 2 हीटर के बीच में आप देख पा रहे होंगे, ये जो व्हाइट कलर आप देख रहे हो, ये व्हाइट कलर की पिन पे जो कि वाटर सर्कुलेटिंग पाइप जो होता है, पाइप लगाया जाता है। और इसके ऊपर में भी देखिए, यहाँ पर भी एक जो कि इसमें नोब लगा हुआ है। और वाटर सर्कुलेटिंग पंप में 2 नोब होता है, एक नीचे लगाते हैं और ऊपर लगाते हैं। और देखिए, जो हीटर में आपको दिखा रहा था, हीटर में देखिए इसमें 2 टर्मिनल है। आप देख पा रहे होंगे, ये जो कि 2 टर्मिनल है, एक फिलामेंट का 2 टर्मिनल होता है। और इसी तरह देखिए फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हो, ये हीटर का भी देखिए, यहाँ पर भी 2 टर्मिनल आप देख पा रहे होंगे, एक फिलामेंट का 2 टर्मिनल है। और ऊपर में एक एक रॉड जो ये जो आप देख रहे हो, ये जो कि स्क्रू टाइट करने के लिए, इसका ऊपर एक कवर आता है, कवर को लगाने के लिए यहाँ पर एक जो कि स्क्रू दिया हुआ है। और देखिए, ये जो आप देख रहे हो, जैसे मैंने आपको सेंसर दिखा रहा था, ये हमारा जो कि 3 वायर टाइप का RTD सेंसर है। देखिए, और RTD सेंसर को किस तरह कनेक्शन करते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। और ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो SSR रिले है, यानी कि सॉलिड स्टेट रिले है, ये सॉलिड स्टेट रिले को ये हीटर के साथ, 2 हीटर के साथ किस तरह कनेक्शन करते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको पूरा कनेक्शन करके पूरा डिटेल्स बताऊंगा। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये साइड जो आप देख रहे हो, इनपुट साइड है जो कि 3 to 32 volt DC इनपुट करते हैं, जो कि PID कंट्रोलर के साथ कनेक्शन किया जाता है। और देखिए, SSR रिले की जो आउटपुट टर्मिनल 1 नंबर एंड 2 नंबर की जो पॉइंट है, 1 नंबर पॉइंट पे ऐसी सप्लाई इनपुट देते हैं और 2 नंबर पे एक तार निकाल के ये हीटर के साथ देखिए जो कनेक्शन करते हैं। और किस तरह कनेक्शन करते हैं, इसी वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल्स बताऊंगा। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहूंगा, इसी वीडियो की लास्ट में ये हॉट वाटर बाथ के टोटल इंटरनल कनेक्शन डायग्राम मैं आपको दे रखा हूँ और उसमें मैंने कनेक्शन करके दिखाया किस तरह जो कि SSR रिले को किस तरह लोड के साथ, यानी कि हीटर के साथ कनेक्शन करते हैं, और SSR रिले को किस तरह PID कंट्रोलर के साथ कनेक्शन करते हैं, उस डायग्राम में मैं पूरा डिटेल्स कर रखा हूँ। अगर आपको इस कनेक्शन के बारे में अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग वो डायग्राम देख के इसके कनेक्शन आप कर सकते हो। और देखिए, PID कंट्रोलर में 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर की पिन जो आप देख रहे हो, जो मैं आपको 3 वायर टाइप का RTD दिखा रहा था, और RTD कनेक्शन इसमें करते हैं। और ये देखिए, 4 नंबर 5 नंबर जो है SSR रिले की कनेक्शन करते हैं, जो मैं आपको दिखा रहा था। और इसी तरह देखिए, नीचे जो है 6 नंबर और 7 नंबर की पिन जो है, इसमें हम जो कि AC सप्लाई देते हैं, फेज न्यूट्रल की सप्लाई देते हैं। और यहाँ पर देखिए, 8 नंबर 9 नंबर और 10 नंबर की जो पिन है, ये NO-C और NC पिन जो है, ये ज़्यादातर जो कि रिले और कॉन्टैक्टर में कनेक्शन करते हैं। और किस तरह कनेक्शन करते हैं कॉन्टैक्टर के ऊपर, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर रखा हूँ, उस वीडियो की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, आप लोग को लिंक के ऊपर क्लिक करके वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। और चलिए, ये PID कंट्रोलर के अलावा ये कंट्रोल पैनल पे और भी इक्विपमेंट लगा हुआ है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ब्लैक कलर की जो राउंड टाइप का आप देख रहे हो, ये रोटरी स्विच है जो कि सिंगल फेज की है। और देखिए, यहाँ पर 2 इंडिकेटर भी लगा हुआ है, एक जो कि लोड के साथ और जो कि मेन के साथ। और इंडिकेटर के नीचे एक जो स्विच जो लगा हुआ है, ये वाटर सर्कुलेटिंग पंप के साथ कनेक्शन किया जाएगा। और चलिए फ्रेंड्स, अभी आप देख पा रहे होंगे, देखिए ये जो हमारा हॉट वाटर बाथ जो है, ये टोटल कनेक्शन इसमें वायरिंग किया हुआ है। और चलिए, इसका कनेक्शन के बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए, जो हीटर है, हीटर की 2 टर्मिनल है, देख पा रहे होंगे,
एक हीटर की दो टर्मिनल है और इसी तरह सेकंड हीटर में भी दो टर्मिनल है। और सबसे पहले देखिए यहाँ से एक तार गया है और ये हीटर के साथ भी कनेक्शन कर दिया गया है। और इसी तरह देखिए हीटर के देखिए नीचे वाले टर्मिनल की पॉइंट जो है और इसी हीटर के साथ भी कनेक्शन कर दिया गया है। और हीटर की देखिए जो दो तार है, एक तार को लेके एसएसआर रिले के साथ कनेक्शन किया जाएगा और दूसरी तार को जो कि न्यूट्रल कनेक्शन कर देनी है। और चलिए अभी मैं आपको इसके कनेक्शन की तार के इस तरह जो कि एसएसआर रिले के साथ लगा हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए एक तार, ये वाली जो तार जो आप देख रहे हो, ये तार आप देख सकते हैं। देखिए एक तार देखिए यहाँ पर जो कि न्यूट्रल के साथ कनेक्शन किया हुआ है। और इसी तरह देखिए मैं आपको दूसरी तार भी दिखा देता हूँ। देखिए दूसरी तार जो है, ये नीचे वाली तार जो आप देख रहे हो, ये तार जो कि एसएसआर रिले के साथ कनेक्शन किया हुआ है और ये जो है ये हमारा जो कि फेज वायर है। और एसएसआर रिले के देखिए दो नंबर की पॉइंट जो है, दो नंबर की पॉइंट के साथ कनेक्शन किया हुआ है। और एक नंबर की जो पॉइंट है, एक नंबर पॉइंट को जो कि डायरेक्ट एसी सप्लाई देनी है, या फिर ये पॉइंट को लेके जो कि हमारा पीआईडी कंट्रोलर में जहाँ फेज न्यूट्रल की सप्लाई लगा हुआ है, फेज के तार के साथ कनेक्शन कर देनी है। आप देख सकते हैं ये पीआईडी कंट्रोलर में जहाँ फेज यानी कि डिस्प्ले ऑन करने के लिए जहाँ फेज न्यूट्रल की सप्लाई देते हैं, फेज तार के साथ कनेक्शन कर देनी है। और ये पीआईडी कंट्रोलर में ये तीन तार जो आप देख रहे हो, ये थ्री वायर टाइप का आरटीडी सेंसर की है। और इसके बगल के साइड में देखिए पीआईडी कंट्रोलर में जो कि दो पॉइंट है, चार नंबर पाँच नंबर की जो पॉइंट है, ये एसएसआर रिले की है। और ये जो दो पॉइंट, चलिए मैं आपको एसएसआर के रिले के साथ किस तरह कनेक्शन किया हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये जो दो पॉइंट आप देख रहे हो एसएसआर रिले की, देखिए जो कि तीन नंबर और चार नंबर की पॉइंट के साथ कनेक्शन किया हुआ है। और इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, ये जो पंप जो आप देख रहे हो, ये बूस्टर पंप है और वाटर सर्कुलेटिंग पंप है। जो वाटर सर्कुलेटिंग बाथ जो है, बाथ के अंदर जो पानी रहता है, पानी को ये सर्कुलेटिंग करने का काम आता है। और ये पंप का स्पेसिफिकेशन आप देख पा रहे होंगे 24 वोल्ट डीसी है और ये 12 वोल्ट और 24 वोल्ट डीसी में चलता है। और इसका मैक्सिमम प्रेशर कितना जनरेट करता है और पंप की कितना प्रेशर होता है और इसका स्पेसिफिकेशन इसमें पूरा टोटल इसमें मेंशन किया हुआ है। और इसमें देखिए दो पॉइंट है, आप देख सकते हैं इस साइड एक पॉइंट है और ये लेफ्ट साइड में भी एक पॉइंट है। यहाँ पर एरो मार्क भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं किस तरह यानी कि किस पॉइंट में जो कि वाटर इनलेट करना है और किस पॉइंट में देखिए जो कि आउटलेट करना है। ये पॉइंट जो है ये ऊपर की तरफ जो कि वाटर को फेंकता है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जो एरो मार्क में आपको दिखा रहा था, ये जो पॉइंट है यहाँ से पानी जो कि खींचता है और ऊपर वाले पॉइंट देखिए, ये जो पॉइंट जो आप देख रहे हो इसी पॉइंट से जो कि पानी को फेंकता है। और इसी तरह कंटिन्यूसली ये जो कि कंटिन्यूसली ये सर्कुलेटिंग करता रहता है, यानी कि जब पंप जो चालू रहेगा ये पानी को इस तरह अंदर के अंदर जो कि सर्कुलेटिंग करता रहता है। और मैं आपको बता देना चाहूँगा, ये पंप के साथ एक जो कि अडैप्टर आता है जो कि एसी टू डीसी कन्वर्ट करता है। देखिए ये अडैप्टर की जो कि एसी इनपुट साइट है और यहाँ से ये तार को काट देंगे, यानी कि प्लग को काट के इसमें दो तार निकाल के इसमें छिल के ये स्विच के साथ हम कनेक्शन कर देंगे। देखिए ये जो हमारा स्विच जो है, ये स्विच के साथ कनेक्शन कर देंगे। ये स्विच को ऑन ऑफ करने से ये हमारा जो कि पंप जो है ये ऑन ऑफ होता रहेगा। और चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं आपको ये हॉट वाटर बाथ का टोटल इंटरनल सर्किट डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, ये हॉट वाटर बाथ की इंटरनल डायग्राम है। और देखिए ये जो सेक्शन जो आप देख रहे हो, ये जो सेक्शन जो है ये चैम्बर है और चैम्बर के अंदर दो हीटर जो मैंने आपको दिखा रहा था, ये दो हीटर इसमें लगा हुआ है और दो हीटर का कनेक्शन जो कि पैरेलल कनेक्शन किया हुआ है। ओके, और देख पा रहे होंगे ये जो आप देख रहे हो ये एसएसआर रिले है और ये जो साइड देखिए ये एसी सप्लाई की साइड है और ये डीसी सप्लाई की साइड है। और ये एसएसआर रिले के जो दो पॉइंट जो है, ये देखिए ये जो पीआईडी कंट्रोलर या फिर टेम्परेचर कंट्रोलर में एसएसआर रिले की देखिए दो पॉइंट जहाँ पर लिखा हुआ है और ये प्लस माइनस के साथ इसमें कनेक्शन किया हुआ है। और आप देख पा रहे होंगे ये जो सेक्शन आप देख रहे हो, ये हमारा जो कि आरटीडी पीटी 100 की सेंसर है। जो सेंसर मैंने आपको दिखा रहा था जो कि पीआईडी कंट्रोलर के डायग्राम में आपको दिखा रहा था, इसमें तीन पॉइंट है। और ये जो आरटीडी सेंसर ये टैंक के अंदर फिट किया जाता है, जब ये टैंक के अंदर पानी होता है और पानी जब गर्म होता है इसका टेम्परेचर जो कि पीआईडी कंट्रोलर को बताता है और पीआईडी कंट्रोलर उसी हिसाब से रिले को कमांड देता है और रिले उसी हिसाब से जो कि ऑन ऑफ यानी कि चालू बंद होता है। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा पीआईडी कंट्रोलर में एलएम जो है, ये जो कि पावर सप्लाई है और पावर सप्लाई आप डायरेक्ट देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक जो रोटरी स्विच है, रोटरी स्विच में देखिए ये सिंगल फेज की रोटरी स्विच है जो कि न्यूट्रल और फेज इनपुट करता है और न्यूट्रल फेज जो कि आउटपुट करता है। और देखिए फ्रेंड्स, ये फिगर के अंदर जो कि इंडिकेटर की कनेक्शन नहीं किया हुआ है और चलिए इंडिकेटर की कनेक्शन मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कि दो इंडिकेटर में ले रखा हूँ और इंडिकेटर में आपको पता है जो कि दो लीड होता है और एक लीड देखिए फ्रेंड्स जो कि
इसके साथ मैंने कनेक्शन कर दिया हूँ जो कि हमारा कॉमन लीड होता है, और एक कॉमन लीड की जो कि ये न्यूट्रल जो लीड होता है, और ये न्यूट्रल को लेके देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा रोटरी स्विच है, और रोटरी स्विच में देखिए जो कि न्यूट्रल के साथ हम कनेक्शन कर देते हैं, और ये फेज वाली जो वायर देखिए फ्रेंड्स, फेज वाली की एक वायर जो कि इसके साथ देखिए फ्रेंड्स, एक हमारा जो कि मेन इंडिकेटर, ये जो हमारा मेन इंडिकेटर है, ये मेन इंडिकेटर है, इसके साथ कनेक्शन कर देते हैं। जब हमारा ये रोटरी स्विच ऑन करेंगे ये इंडिकेटर जो कि चालू हो जाएगा। और देखिए ये जो लोड इंडिकेटर है, और लोड इंडिकेटर में दूसरी वाली लीड को लेके देखिए, ये जो हमारा एसएसआर रिले है, और एसएसआर रिले में देखिए ये एक नंबर पॉइंट है जहाँ पर फर्स्ट हमारा जो कि एसी सप्लाई की इनपुट देते हैं, और दूसरी वाली पॉइंट देखिए फ्रेंड जो कि हमारे हीटर के साथ कनेक्शन किया हुआ है, और लोड इंडिकेटर की इस वाली पॉइंट को लेके इसके साथ कनेक्शन कर देनी है। और ये दो नंबर पॉइंट भी आप देख सकते हैं, ये जो हमारा हीटर कॉल है, और हीटर कॉल के साथ देखिए ये हीटर कॉल की देखिए एक नंबर हीटर कॉल की इस वाली पॉइंट, और दूसरी हीटर कॉल की इस वाली पॉइंट को जॉइंट करके ये देखिए ये दो नंबर की सप्लाई, यानी कि ये फेज सप्लाई इसमें कनेक्शन किया हुआ है। और इसी तरह देखिए फ्रेंड्स, ये जो एक नंबर की हीटर है, और इसका तार देखिए ये दो नंबर के हीटर के साथ इसी पॉइंट में कनेक्शन करके इसे जो कि न्यूट्रल सप्लाई देखिए न्यूट्रल के साथ कनेक्शन किया हुआ है। और इसी तरह आपको देखिए जैसे ही मैंने फिगर में बताया, सेम टू सेम इसी तरह कनेक्शन करना है। और कुछ भी डाउट होता है, अगर कुछ भी फॉल्ट होता है तो मुझे कमेंट करके बताए, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।